नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम यूनिट 4 6 चैप्टर इंस्पेक्शन मेथड पढ़ रहे थे। उनमें इंस्पेक्शन जिस क्वेश्चंस में हम खुद से कर रहे थे उनके एग्जांपल्स कंप्लीट हो गए थे। आज हम एक्सरसाइज के वो क्वेश्चंस इंक्लूड कर रहे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो वो सभी क्वेश्चंस आज हम इस लेक्चर में शामिल कर रहे हैं। तो लेक्चर के साथ बने रहे, ओके। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स एक्स प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स टू वन प्लस एक्स वाई इक्वल में एक्स, ओके। ये इक्वेशन दी हुई है, टू ऑर्डर की है। सबसे पहले हमें क्या करना है, डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट वन बनाना है। एक्स स्क्वायर का पूरी इक्वेशन में क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो ये इक्वेशन बनेगी हमारी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिवाइड करेंगे, एक एक्स कैंसिल होगा और इसमें एक्स का डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू बनेगी हमारी। एक्स का डिवाइड करेंगे तो यहां वन प्लस वन बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ओके। एक्स स्क्वायर के डिवाइड कर दिया हमने, यहां एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा टू वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स वाई इक्वल में एक्स। पूरी इक्वेशन को हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब यहां हम P का मान बताएंगे, Q का मान बताएंगे और R का मान बताएंगे। P का मान क्या होता है, P का मान dy by dx का कोफिशियंट, Q का मान y का कोफिशियंट और R का मान जिसमें y नहीं है, y dy by dt नहीं है, केवल x का फंक्शन। तो हेयर P हमारा माइनस टू वन प्लस वन बाई एक्स, Q का मान 2 इंटू वन बाई एक्स स्क्वायर वन बाई एक्स एंड आर का मान x। ये हमारे पास में वैल्यूज है। अब यहां देखो 1 बाई एक्स है, ये 1 है, इसको यदि x से मल्टीपल कर दे तो यहां क्या बचेगा, 1 प्लस वन बाई एक्स बन गया इसके जैसा। इसका मतलब हम क्लियरली इंस्पेक्शन से देख पा रहे हैं कि p प्लस क्यू एक्स का मान 0 है। यदि हम P प्लस क्यू एक्स करते हैं तो इसका मान क्या आ गया हमारे पास, 0। इसको x से मल्टीपल करेंगे, ये पूरा पॉजिटिव ये पूरा नेगेटिव कैंसिल करेगा, 0 आएगा। और P प्लस क्यू एक्स का मान 0 था तो इंस्पेक्शन के जो 6 फॉर्मूले लिखवाए थे 6-7 उनमें y का एक पूरा फलन का मान क्या आता था, y इक्वल में x, क्या आता था, y इक्वल में x लिखवा रखा है ये। तो y इक्वल में x इसके पूरक फलन का एक भाग है, तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन हम लेते हैं क्या करते थे, इसको v से मल्टीपल करते थे। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा, जनरल सॉल्यूशन क्या लेंगे, y इक्वल में वी एक्स, क्या मान लेंगे हम, y इक्वल में वी एक्स। और क्या करेंगे, ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो हमें dy by dx चाहिए, d2 y by dx स्क्वायर चाहिए। इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे हम x के रेस्पेक्ट में तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी dy by dx, फर्स्ट सेकंड मान के कर लेंगे v प्लस x dv by dx, d2 y by dx स्क्वायर इसका एक बार और करेंगे तो x का करेंगे तो 1, एक dv by dx, एक इसका करेंगे dv by dx तो 2 dv by dx आ गए हमारे पास। x को as it is इसका करेंगे तो क्या बनेगा, x d2v by dx square, x d2v by dx square, ये वैल्यू आ गए हमारे पास में इसका, इसका और इसका मान। अब ये मान हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में पुट करते हैं और फिर v का कोफिशिएंट 0 आ जाता है और फिर हम इसको आगे सोल्व कर लेते हैं और v का मान निकाल के और फिर यहां हम पुट कर देंगे, ओके। तो ये मान हम यहां रख रहे हैं, चाहो तो इनको इक्वेशन नंबर डाल दो, इसको फर्स्ट डाल दो, इसको आप सेकंड डाल दो,
फर्स्ट एंड सेकंड से, तो हमारे पास क्या बना, यहाँ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान लिख देंगे हम, तो एक्स डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी वी बाई डी एक्स, ये तो आ गया हमारे पास डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान। फिर माइनस टू वन प्लस वन बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स का मान, ये रहा हमारा डी वाई बाई डी एक्स का मान। उसके बाद में प्लस टू वन बाई एक्स स्क्वायर वन बाई एक्स वाई का मान, वाई का मान क्या है हमारे पास वी एक्स, तो ये आ गया हमारे पास में वी एक्स का मान। इक्वल में एक्स, इक्वल में क्या है एक्स है, तो ये इक्वल में हमने एक्स रहने दिया। अब क्या करना है हमें, डी वाई बाई डी एक्स के कोफिशियंट को एक जगह, डी टू वाई वाई को और वी को एक जगह लेना है हमें, तो ये बन जाएगा हमारे पास डी टू वी का तो एक ही है, तो एक्स डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर, डी वी बाई डी एक्स को एक साथ लेंगे तो ये पूरा डी वी बाई डी एक्स प्लस टू एक्स से भी मल्टीपल करेंगे इसको तो क्या जाएगा हमारे पास माइनस का टू एक्स, इसको करेंगे तो माइनस का टू डी वी बाई डी एक्स। ओके, क्या किया हमने, इस एक्स को इससे मल्टीपल किया माइनस टू के साथ, तो ये बनेगा माइनस का टू एक्स, एक्स को इससे करेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस का टू डी वी बाई डी एक्स, और कहीं डी वी बाई डी एक्स नहीं है। अब बी का कोफिशियंट ले लो, वी का कोफिशियंट एक तो ये पूरा आ रहा माइनस का टू बाई एक्स, और वी यहां है हमारे पास, ये पूरा आएगा एक्स को मल्टीपल के साथ में, एक्स को मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा टू बाई एक्स, एक्स एक्स कैंसिल प्लस टू वी इक्वल में एक्स, बता रखा है इसका मान वही आएगा जो हम यहां पे लेते हैं, तो इसलिए इसका कोफिशियंट हमेशा जीरो बनता है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, इस एक्स का भी डिवाइड कर रहे हैं, इस एक्स का भी डिवाइड कर रहे हैं, तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर, टू से टू कैंसिल हो गया, एक्स का डिवाइड करेंगे तो माइनस का टू डी वी बाई डी एक्स, यहां जीरो बन गया इक्वल में वन, इक्वल में वन। अब हम यहां फ्री हैं, हम यहां फ्री हैं, चाहो तो इस डी वी बाई डी एक्स को पी मान के सॉल्व कर लो, या ये हमारा गौर से देखें तो चैप्टर थर्ड ही तो है, चैप्टर थर्ड में हमने ऐसे ही तो क्वेश्चन किए हैं, तो यहां फ्री है, चाहे तो हम चैप्टर थर्ड की हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर डी वी बाई डी एक्स को पी मान के जैसे लास्ट क्लास में हमने किया था वैसे कर सकते हैं, जो अच्छा लगे वो कर लो। मुझे थर्ड वाला अच्छा लग रहा है, मैं थर्ड वाले से कर लेता हूँ, आपको डी पी बाई डी एक्स मान में करना है तो आप उससे कर लो। तो ये बनेगा हमारे पास, इम्प्लाइज करके इसको लिख सकते हैं हम, डी टू माइनस का टू डी टू डी वी इक्वल में एक्स, वन है। ओके, क्या करते हैं, ऑक्सिलरी सीरीज सी एफ निकालते हैं, पी आई निकालेंगे, तो इसका जो सी एफ बनेगा हमारे पास, इसका सी एफ बन जाएगा इसका सी एफ बनेगा हमारे पास, सी एफ के अंदर क्या करते हैं हम, इसको एम स्क्वायर माइनस टू एम इक्वल जीरो लिखते हैं, इंप्लाइज करके एम कॉमन ले लेंगे, एम माइनस टू जीरो बनेगा, एम का मान आ गया जीरो और टू, तो यहां से इसका जो सी एफ बनेगा, सी एफ बनेगा सी वन ई की पावर जीरो एक्स प्लस सी टू ई की पावर टू एक्स, ये ई की पावर में चले जाते हैं, तो e की पावर जीरो का मान हम जानते हैं वन होता है, तो सी वन प्लस सी टू e की पावर टू एक्स, ये क्या आ गया इसका सी एफ। पी आई निकाल लें, पी आई के अंदर क्या करते हैं इसको नीचे लिखते हैं वन अपॉन में डी स्क्वायर माइनस टू डी, और ये बता रखा है आपको कि यदि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की जगह हम क्या लिखेंगे e की पावर जीरो, क्या लिखेंगे e की पावर जीरो एक्स, यहां जीरो रखेंगे तो जीरो बनेगा, तो उस फैक्टर को अलग करना है जो जीरो बनाता है, तो वन बाई डी इंटू डी माइनस टू, यहां डी की जगह डायरेक्ट मान रख सकते हैं क्या जाएगा माइनस टू, इसको कर देंगे बाहर, माइनस वन बाई टू
और ये क्या बन गया हमारे पास 1 बाई डी ई की पावर 0 एक्स। 1 बाई डी क्या होता है इंटीग्रेशन, तो ये बनेगा माइनस का 1 बाई टू इंटीग्रेशन डी एक्स, क्योंकि इसका मान 1 होगा और डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, माइनस 1 बाई टू एक्स। इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स बाई टू, माइनस एक्स बाई टू। तो यहां से v का मान क्या आया, v क्या होता है सी एफ प्लस पी आई। सी एफ क्या है हमारे पास सी वन प्लस सी टू ई की पावर टू एक्स माइनस एक्स बाई टू। ये मान आ गया हमारे पास v का। मान किसका चाहिए था y का, इंप्लाइज करके y का मान क्या है इस पूरे को x से मल्टीपल कर देंगे तो y का मान आ जाएगा हमारे पास वी एक्स इक्वल में सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स ई की पावर टू एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर बाई टू। ये मान आ गया हमारे पास किसका वाई का मान। ओके, तो ऐसे हम इंस्पेक्शन से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और लास्ट में यहां यदि थर्ड फोर फाइव चैप्टर फेल हो जाते हैं तो हम फिर मान के फर्स्ट चैप्टर की हेल्प से करते हैं और इसको मान के भी कर सकते हैं, दोनों ही राइट है बन जाएगा। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स एक्स प्लस टू वाई इक्वल में एक्स माइनस टू ई की पावर एक्स। ओके, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का टू इंटू एक्स प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस टू वाई इक्वल में एक्स माइनस टू ई की पावर एक्स। सबसे पहले हमें देखना है कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 है या नहीं है। यहाँ 1 नहीं है, इसका मतलब इस x का डिवाइड करना है। तो ये बनेगा हमारे पास डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 1 बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यहां डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 2 बाई एक्स वाई इक्वल में यहां करेंगे तो 1 माइनस 2 बाई एक्स ई की पावर एक्स। ओके, पी क्यू आर का मान बता दो। पी है हमारे पास ये, क्यू हमारे पास ये और आर हमारे पास है ये। ओके, अब हमें यहां देखना है कि हम इसको कैसे ऑपरेट करें कि 0 बने। इसको x से मल्टीपल करेंगे तो x आएगा, x कहीं नहीं है मतलब p प्लस क्यू एक्स फेल है। तो हमारे पास ऑप्शन बचते हैं 1 प्लस p प्लस क्यू 1 माइनस p प्लस क्यू। ये सिंपल है, मोस्टली इन तीन में ही बन जाते हैं हमारे। तो 1 प्लस p प्लस क्यू करेंगे हम तो ये बन जाएगा हमारा 1 प्लस p प्लस क्यू। इन दोनों को हम ऐड करें, इससे ये कैंसिल हो गया, इसको ऐड करेंगे माइनस वन आएगा और माइनस वन को ये 0 बना देगा तो इसका मान बन गया 0। तो वाई बराबर ई की पावर एक्स, वाई बराबर ई की पावर एक्स इसके पूरक फलन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का 1 पार्ट होगा। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन हम क्या मानेंगे वी ई की पावर एक्स। फिक्स है ये चीज कि ओके, वाई को ये मान लिया, हमें मान किसका चाहिए, हमें डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इनके और चाहिए मान। तो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर लो आप, डी वाई बाई डी एक्स का बनेगा हमारे पास वी की पावर एक्स बन जाएगा एक तो, और एक बन जाएगा हमारे पास ई की पावर एक्स डी वी बाई डी एक्स। ऐसे ही आप डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का निकालोगे तो ये बनेगा हमारे पास टू ई की पावर एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस v e की पावर x प्लस e की पावर x डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, निकाल रखा है हमने ये सभी मान काफी क्वेश्चंस में, तो वो मान हमें इक्वेशन में रखना है।
इक्वेशन फर्स्ट में हम ये वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन वन का रूप बन के आएगा, डी टू वाई की जगह मान रख दो आप तो e की पावर x डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू e की पावर x डी वी बाई डी एक्स प्लस वी e की पावर x माइनस का टू इंटू वन प्लस वन बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स का मान रख दो v e की पावर x प्लस डी वी बाई डी एक्स। फिर आप वन प्लस टू वन प्लस टू बाई एक्स वाई की मान रख दो वी की पावर एक्स इक्वल में वन माइनस टू बाई एक्स ई की पावर एक्स। जब भी ई की पावर एक्स जैसा फंक्शन बनेगा तो वो पूरी इक्वेशन में कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से, यहाँ राइट से भी कैंसिल हो रहा है, अच्छी बात है। तो ई की पावर एक्स पूरी इक्वेशन में कॉमन है, कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर। अब डी वी बाई डी एक्स ले लो आप, एक तो यहां है हमारे पास, एक यहां है, तो टू e की पावर x तो कॉमन ले लिया हमने, यहां बनेगा माइनस का टू बाई एक्स माइनस टू माइनस का टू बाई एक्स। अब v की वैल्यू ले लो आप, v की वैल्यू है हमारे पास v, एक तो यहां है वन, यहां v ये रहा हमारे पास माइनस का टू बाई एक्स, और v ये रहा हमारे पास प्लस का वन प्लस का टू बाई एक्स। इसका मान वही है जो हमने यहां लिखा है, जीरो बनेगा v इक्वल में वन माइनस टू बाई एक्स e की पावर x, कैंसिल हो गया e की पावर x, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसको हम सॉल्व करें तो ये बनेगा हमारे पास डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर, टू से टू कैंसिल हो गया, माइनस का टू बाई एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल में वन माइनस टू बाई एक्स। अब देखो यहां माइनस का टू आ रहा है हमारे पास, लास्ट एग्जाम्पल में केवल कॉन्स्टेंट आ रहा था माइनस का टू, तो हम उसको थर्ड चैप्टर से कर रहे थे, बट यहां माइनस का टू बाई एक्स आ गया तो इसको हम थर्ड चैप्टर से नहीं कर सकते, ये एक्स से भी मल्टीपल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स आएगा, जबकि माइनस टू प्रॉब्लम कर रहा है। फोर्थ चैप्टर क्या कहता है, इस फोरम में होने चाहिए एक्स डीवी बाई डी एक्स, ओके यहां ओनली एक्स होना चाहिए, जबकि यहां माइनस टू आ रहा है तो उससे फोर्थ चैप्टर से भी हम इसको नहीं कर पाएंगे, तो हमारे पास इसी का जनरल मेथड बच रहा है, उसी से हम कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। और जनरल मेथड ये कहता है कि अब आप इसके अंदर मान लो इक्वेशन फर्स्ट है, इसको हम इक्वेशन सेकंड दे देते हैं, और ये जो मान हमने निकाले इनको हम इक्वेशन थर्ड दे दें, और इसका जो फाइनल मान है इसको हम इक्वेशन फोर दे दें, और यहाँ मान लें हम क्या कि जो p है वो dv बाई डी एक्स के बराबर है, ओके इस p को हमने इसके बराबर मान लिया, तो ये मान क्या जाएगा dp बाई डी एक्स, तो dp बाई डी एक्स का मान आ गया डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर। ये मान हम यहां रखें तो ये वैल्यू बनेगी dp बाई डी एक्स माइनस का टू बाई एक्स p इक्वल में वन माइनस टू बाई एक्स इक्वल में वन माइनस टू बाई एक्स। फर्स्ट चैप्टर में ये क्या बन गई हमारे पास में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को भी कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने पूरा लेक्चर बना रखा है, लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। तो इसका जो इंटीग्रल फैक्टर है वो क्या बनेगा e की पावर, अब p dx होता है तो p तो ऑलरेडी है, तो अपन अलग से कुछ मानेंगे या डायरेक्ट कर लो आप, माइनस का टू तो कॉमन वन बाई एक्स डी एक्स पी का कोफिशियंट क्या बनेगा e की पावर माइनस का टू लॉग एक्स, माइनस में होता है तो नीचे आ जाता है, टू है तो स्क्वायर में आएगा, तो इसका मान आएगा वन बाई एक्स स्क्वायर। तो इसका जो मान आएगा फाइनल पी का मान आएगा हमारे पास पी इंटू इंटीग्रल फैक्टर वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल में इंटीग्रेशन का साइन, क्यू का मान क्या है, क्यू का मान है हमारे पास वन माइनस टू बाई एक्स इंटू इंटीग्रल फैक्टर वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स,
प्लस एक कॉन्स्टेंट सी वन, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये 1 बाई एक्स स्क्वायर इससे मल्टीपल होगा तो ये बनेगा 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो माइनस का 2 1 बाई एक्स क्यूब डी एक्स प्लस का सी वन प्लस का सी वन। अब इसको हम और आगे सोल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास P इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1 बाई एक्स, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होगा हमारे पास माइनस का 2 और 1 बाई एक्स क्यूब का बनेगा माइनस 3 प्लस 1 माइनस का 2, तो एक्स स्क्वायर 2 माइनस का, फिर है डीएक्स प्लस सी वन, ये हमारा बनेगा 1 बाई एक्स माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल 1 बाई एक्स स्क्वायर और ये बनेगा सी वन। ओके ये हमारे पास वैल्यू आ गई। यहां से पी का मान निकालना है तो पी का मान एक्स स्क्वायर से मल्टीपल कर देंगे माइनस एक्स प्लस 1 सी वन एक्स स्क्वायर। पी का मान क्या माना हमने डीवी बाई डीएक्स, तो इसका मान रख दो डीवी बाई डीएक्स, हमें मान तो वी का चाहिए डीवी एक्स यहां चला जाएगा तो वी का मान आएगा हमारे पास माइनस एक्स डीएक्स डीएक्स सी वन एक्स स्क्वायर डीएक्स और इसका इंटीग्रेशन हम इजीली कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देना और मल्टीपल में जो मान है ई की पावर एक्स लिख देना क्योंकि वाई हमने क्या माना है V e की पावर एक्स। आज की क्लास का नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स एक्स वाई इक्वल में एक्स। सबसे पहले डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 है। ओके पी क्यू आर बता दो, पी क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, क्यू क्या है एक्स और आर क्या है एक्स, इसको एक्स से मल्टीपल करेंगे आ रहा है ना जीरो, इसका मतलब पी प्लस क्यू एक्स का मान जीरो इंप्लाइज करके वाई बराबर एक्स इसके पूरक फलन का एक भाग होगा, इंप्लाइज करके वाई बराबर एक्स स्क्वायर p प्लस क्यू एक्स का मतलब x और फंक्शन भी हमारा क्या है वी एक्स होगा, सॉरी y बराबर x इसके एक पार्ट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा लिखवा दिया मैंने कैसे इसके मैकेनिज्म करते हैं तो यहाँ डायरेक्ट बना मैं जनरल में सॉल्यूशन y क्या मानेंगे हम वी एक्स, इसके डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या आएगा v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान क्या आएगा डीवी बाई डी एक्स टू डीवी बाई डी एक्स प्लस एक्स डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर, डीवी का बनी गया x इंटू कर लिया, ये सभी मान हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी x डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डीवी बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का मान है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स और ये प्लस का एक्स वाई है हमारे पास में v x इक्वल में x, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई, हमें इनको एडजस्ट करना है तो डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स प्लस टू यहां से ये बनेगा माइनस एक्स क्यूब और कहीं नहीं है डी वी बाई डी एक्स। अब वी के कोफिशियंट ले लेंगे, वी के कोफिशियंट में यहां हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर है और यहां प्लस का एक्स स्क्वायर है वी इक्वल में एक्स। ओके तो ये हमारे पास इसको सॉल्व करने पर इक्वेशन बनी तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास एक्स का डिवाइड कर रहे हैं पूरी इक्वेशन में डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर
ये x का डिवाइड करेंगे तो 2 बाई एक्स, 2 बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू 1। ओके, इसमें डिवाइड कर दिया हमने, ये माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। क्या यहाँ भी हम इसको थर्ड और फोर्थ चैप्टर से नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2 बाई एक्स नहीं कर सकते हम, तो इस मेथड से करेंगे, इसको पी मानेंगे। तो पुट P क्या मान लिया हमने, dv by dx, तो d2 v by dx square का मान क्या बनेगा, dp by dx, ये मान हम यहां रखेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, dp by dx 2 by x x square p equal में 1। इसका इंटीग्रल फैक्टर बनाना है हमें, इंटीग्रल फैक्टर बनेगा इसका e की पावर इंटीग्रेशन 2 बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल में e की पावर 2 बाई 1 बाई एक्स डी एक्स इंटू e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, इनको अलग अलग कर लिया हमने, इसका कर रहे हैं और फिर इसका कर रहे हैं। पावर होती है तो वो मल्टीपल में आता है, नीचे पावर होती है तो क्या होता है वो मल्टीपल में, क्यों, x की पावर m इंटू x की पावर m को क्या लिखते हैं, x की पावर m प्लस m। ओके, तो पावर यदि प्लस माइनस में होते हैं तो वो मल्टीपल में आती है हमारे। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास e की पावर 2 log x, e की पावर 2 log x इंटू e की पावर माइनस एक्स क्यू बाई 3, e की पावर माइनस एक्स क्यू बाई 3, e की पावर log का मान 1 होता है तो x स्क्वायर आ जाएगा इसके मल्टीपल में, और e की पावर माइनस एक्स क्यूब बाई 3 आ गया हमारे पास यहाँ। तो ये वैल्यू बन गई हमारे पास x स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स क्यूब बाई 3। किसका मान आया ये, इंटीग्रल फैक्टर का। p का मान क्या जाएगा, p इंटू एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स क्यूब बाई 3 इक्वल में इंटीग्रेशन का साइन q क्या है, क्यों है हमारे पास 1, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स क्यूब बाई 3 डीएक्स प्लस एक कॉन्स्टेंट सी 1। अब इसका हम इंटीग्रेशन करें हम सॉल्व करने के लिए, तो इस एक्स क्यूब बाई 3 को t मान लो, एक्स क्यूब बाई 3 को t माने तो ये 3 मल्टीपल में आएगा, तो एक्स स्क्वायर डीएक्स का मान क्या बन गया, dt। ओके, एक्स स्क्वायर भी है डीएक्स भी है, dt चला गया, ये t में बन गया, तो ये मान क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन e की पावर माइनस t dt प्लस c 1, और e की पावर माइनस t का क्या होता है, e की पावर माइनस t, तो ये बनेगा e की पावर माइनस एक्स क्यूब बाई 3, e की पावर माइनस एक्स क्यूब बाई 3, t का मान रख दिया हमने प्लस कॉन्स्टेंट सी 1, प्लस कॉन्स्टेंट सी 1। हमें मान किसका चाहिए, हमें पी का मान चाहिए, इंप्लाइज करके पी का मान निकाल लो, पी का मान आ गया हमारे पास, इसका डिवाइड करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स क्यू बाई 3 से तो कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा नीचे 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर। ओके, इससे ये डिवाइड हो गया, ये नीचे आ गया, C1 में बनेगा हमारे पास C1 e की पावर x क्यूब बाई 3 तो प्लस का बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 1 बाई एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस से प्लस, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, पावर ऊपर जाके प्लस बनेगा। हमें मान किसका चाहिए, v का, dv बाई dx, हमें v का मान चाहिए, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स सी 1 एक्स की पावर माइनस 2 ई की पावर एक्स क्यू बाई 3 डी एक्स प्लस एक कॉन्स्टेंट सी 2। इससे पहले एग्जांपल में देखना सी 2 जोड़ा या नहीं जोड़ा, यदि सी 2 ऐड नहीं किया यहां तो वहां ऐड कर लेना, यदि कर रखा है तो अच्छी बात है। इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम, ये है कॉन्स्टेंट, इसका इंटीग्रेशन नहीं किया जा सकता, एक्स की पावर माइनस टू का हम यदि इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहां एक्स स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए हमें,
एक्स स्क्वायर चाहिए जबकि क्या आ रहा है एक्स की पावर माइनस टू, तो ये डीएक्स डीटी में कन्वर्ट नहीं होगा। इसको हमें फर्स्ट फंक्शन माने तो इसका डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर का करते जाओ, एक्स की पावर माइनस में है तो डिफरेंशिएशन क्या कहता है माइनस में एक और बढ़ाते जाओ, एक बार करेंगे तो ये बनेगा एक्स की पावर माइनस थ्री, फिर एक्स की पावर माइनस फोर, एक्स की पावर माइनस फाइव बढ़ता हुआ जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन भी नहीं ले सकते। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन बढ़ता जाएगा, ओके, तो इसका भी हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये फंक्शन को इसको यही रहने देना, इसका यही सॉल्यूशन है, आगे इसको सॉल्व नहीं करना, बस ये इसका क्या आ गया हमारे पास सॉल्यूशन। ये v का मान आया तो लास्ट में बस v क्या आया था हमारे पास vx, तो y बराबर vx लिख देना, इस पूरे को x से मल्टीपल कर देना, तो y का मान जो आएगा वो इसके अंदर तो जो मान निकालोगे भी आ ही जाएगा, इसके अंदर बनेगा हमारे पास c1x x की पावर माइनस टू एक्स क्यूब बाई थ्री डी एक्स प्लस सी टू एक्स, इसका बनेगा x की पावर माइनस टू तो माइनस का वन बाई एक्स इंटू ये भी x से मल्टीपल, ठीक है। तो ये इसका आ गया जनरल सॉल्यूशन, यहाँ कन्फ्यूज मत होना कि इसका इंटीग्रेशन करें हम, नहीं होगा इसका इंटीग्रेशन, करते रहो आप इन्फिनिटी टाइम्स तक, तो इसका इंटीग्रेशन ऐसे कैसे छोड़ दें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर, एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स वाई इक्वल में ई की पावर, ये हमने क्वेश्चन नंबर फोर लिखा। एक्स का कोफिशियंट वन आना चाहिए, जबकि एक्स आ रहा है तो डिवाइड कर दो आप, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वन बाई एक्स माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स वाई बाई एक्स वन बाई एक्स ई की पावर एक्स। देखो वन बाई एक्स आ रहा है यहां माइनस वन है तो क्लियरली दिख रहा है कि वन प्लस पी प्लस क्यू करने पे जीरो बन रहा है, वन प्लस पी प्लस क्यू करने पे जीरो बन रहा है, कल में वाई बराबर ई की पावर एक्स, इसका एक सॉल्यूशन बनेगा पूरा फलन का, तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बन जाएगा e की पावर x v, और e की पावर x v के dy by dx क्या होते हैं, d2 y by dx क्या होते हैं निकाल रखे हमने, तो dy by dx बनेगा इसका v प्लस v e की पावर x प्लस e की पावर x dv by dx, और d2 y by dx स्क्वायर क्या बनेगा v की पावर x प्लस 2 e की पावर x dv by dx प्लस e की पावर x d2v by dx, ये मान हम इक्वेशन में रख देंगे तो ये बनेगा हमारे पास e की पावर x d2v by dx स्क्वायर प्लस 2 e की पावर x dv by dx प्लस v e की पावर x, ये पूरा d2y का मान है प्लस 1 by x माइनस 1 dy by dx का मान है हमारे पास v e की पावर x प्लस e की पावर x dv by dx माइनस y by x, तो y का मान है हमारे पास e की पावर x v अपॉन में x इक्वल में 1 by x e की पावर x, एडजस्ट करना है हमें, e की पावर x कॉमन है काटेंगे इसको तो इसको कैंसिल कर देंगे, तो ये बनेगा d2v by dx स्क्वायर, dv by dx को कॉमन ले लो 2, ये रहा dv by dx तो प्लस का 1 by x माइनस 1 और dv by dx ये रहा और वो रहा, ओके dv by dx, अब v को ले लो, v यहां से 1 1 by x माइनस 1 माइनस का 1 by x v इक्वल में 1 by x, कैंसिल हो गया जीरो बन गया, बनना ही था डी टू वी बाई, तो इसका मान बनेगा हमारे पास डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू से कैंसिल होगा तो वन प्लस वन बाई एक्स डी वी बाई डी एक्स
इक्वल में वन बाई एक्स। अब ये थर्ड फोर फाइव चैप्टर से नहीं कर सकते, यहाँ ये प्रॉब्लम क्रिएटिवेट कर रहा है, तो इसी मेथड से करेंगे। तो क्या मान लेंगे हम, पी को मान लेंगे हम डी बी बाई डी एक्स, इम्प्लाइज करके डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर का मान आएगा डी पी बाई डी एक्स। ये मान हम यहाँ रखेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी हमारी डी पी बाई डी एक्स प्लस वन प्लस वन बाई एक्स पी इक्वल में वन बाई एक्स। इसका इंटीग्रल फैक्टर बनेगा e की पावर वन प्लस वन बाई एक्स डी एक्स e की पावर, अलग अलग कर लेंगे तो डी एक्स इंटू e की पावर वन बाई एक्स डी एक्स। ये बनेगा हमारे पास डी एक्स का बनेगा e की पावर एक्स और वन बाई एक्स का बनेगा लॉग एक्स, e की पावर लॉग एक्स, और e की पावर लॉग का मान वन होता है तो एक्स e की पावर। तो हमारे पास e का मान क्या आ गया, इंटीग्रल फैक्टर का मान आ गया एक्स e की पावर एक्स, तो p इंटू एक्स e की पावर एक्स का मान क्या आ गया, इंटीग्रेशन का साइन, q का मान क्या है वन बाई एक्स इंटू एक्स e की पावर एक्स dx प्लस ए कॉन्स्टेंट c1, x से x कैंसिल हो जाएगा, e की पावर x का e की पावर x होगा, इसका डिवाइड भी कर रहे हैं हम, तो p का मान क्या आ गया, यहां तो देखो e की पावर x है, e की पावर x में इसका डिवाइड करेंगे तो e की पावर x कैंसिल हो जाएगा, वन बाई एक्स बचेगा वन बाई एक्स। यहां c1 है, c1 में इसका डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास वन बाई एक्स e की पावर माइनस एक्स c1। पी का मान क्या आ गया हमारे पास, यहां से तो e की पावर x तो कैंसिल हो गया, वन बाई एक्स बच गया, इसका डिवाइड करेंगे वन बाई एक्स e की पावर माइनस एक्स और c1। अब इसका क्या करते हैं हम, पी का मान लिख दो, पी का मान क्या है डी वी बाई डी एक्स, पी का मान क्या है डी वी बाई डी एक्स। तो हमें मान किसका चाहिए, v का, तो v का मान क्या आएगा इस पूरे का इंटीग्रेशन, तो वन बाई एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वन बाई एक्स ई की पावर माइनस एक्स सी वन बाहर प्लस सी टू। वन बाई एक्स का तो बन जाएगा लॉग एक्स, सी टू हमारा एजिटीज प्लस सी वन वो ही आ गया, वन बाई एक्स आ रहा है, तो इस वन बाई एक्स का भी हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, पावर माइनस में बढ़ती हुई जाएगी, तो ये बनेगा हमारे पास सी वन इंटीग्रेशन वन बाई एक्स ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी टू। ये किसका मान आ गया, वी का, वाई का मान निकालेंगे तो इस पूरी इक्वेशन को एक्स से मल्टीपल कर देंगे और किसका मान निकालेंगे हम, वाई का। ओके, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्लास का फाइव, क्वेश्चन फाइव है एक्स प्लस वन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री डी वाई बाई डी एक्स एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल में ई की पावर एक्स। एक्स प्लस वन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स प्लस थ्री डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल में ई की पावर एक्स। सबसे पहले डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट वन नहीं है तो x प्लस वन से क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे, तो ये बनेगा हमारे पास डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस वन y इक्वल में e की पावर x अपॉन में वन प्लस एक्स। p है, q है और वो r है। अब हमारे पास ऐसी वैल्यू है, इसको x से मल्टीपल करने पे जीरो नहीं बनेगा, तो हमारे पास दो जो सिंपल वाले हैं वहां पे वन प्लस पी प्लस क्यू और वन माइनस पी प्लस क्यू वाले बचते हैं। वन माइनस पी करेंगे तो ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, जीरो नहीं बनेगा, तो वन प्लस पी प्लस क्यू करके देखते हैं। 1 प्लस पी प्लस क्यू, 1 माइनस टू एक्स माइनस सिक्स
एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस फाइव अपॉन में एक्स प्लस वन। एलसीएम ले तो यहां एक्स प्लस वन आएगा, एक्स और एक्स वन की टू एक्स कैंसिल होगा, ये वन और ये फाइव बन के सिक्स कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, टू एक्स प्लस सिक्स ये ब्रैकेट जीरो आ गया, और वन प्लस पी प्लस टू का मान जीरो आता है तो क्या लेते हैं हम y बराबर e की पावर x, इसका एक पार्ट बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं v e की पावर x को। ओके काफी कर चुके अपन, आपको याद हो गया होगा। अब dy by dx क्या बनेगा हमारे पास, dy by dx बनेगा v e की पावर x प्लस e की पावर x dv by dx, d2 y by dx स्क्वायर क्या बनेगा, ये बनेगा v e की पावर x प्लस 2 e की पावर x dv by dx प्लस e की पावर x d2 v by dx स्क्वायर। ओके तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई d2 y by dx स्क्वायर का मान, ये मान हम इस इक्वेशन में रख दें तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, हमारे पास वैल्यू बनेगी v e की पावर x 2 e की पावर x dv by dx e की पावर x d2 v by dx स्क्वायर प्लस, माइनस है तो माइनस लिख दो, x प्लस 3 x प्लस 1 dy by dx का मान v e की पावर x e की पावर x dv by dx, इसके बाद में x प्लस 5 x प्लस फाइव एक्स प्लस वन वाई है, y क्या है v e की पावर x इक्वल में e की पावर x अपॉन में x प्लस वन, e की पावर x पूरे में कॉमन है कैंसिल कर देंगे, पहले d2 का लिख दो, ये बनेगा d2 v by dx स्क्वायर, अब dv by dx का ले लो, dv by dx का यहां से बन गया 2, यहां से बनेगा हमारे पास ये पूरा माइनस का 2x प्लस 6 अपॉन में x प्लस 1, यहां ब्रैकेट लगा दो यदि बाहर माइनस है तो, और कहीं dv by dx नहीं है तो ये लगा दिया हमने कर्ली साइन dv by dx, v का तो जीरो बनेगा और v का यही बनेगा, देखते हैं हम v कॉमन लेते हैं यहां से 1, अब माइनस में आ जाना चाहिए ये v, ये रहा ये माइनस में आ गया, ओके अब प्लस में ये आना चाहिए, प्लस में तो नहीं लिख रहे हम, छोड़ रहे इसको, e की पावर x अपॉन में x प्लस 1 ये भी कैंसिल हो गया। थर्ड फोर फाइव चैप्टर फेल है, dv by dx को p ही मानेंगे हम, तो ये मान लेंगे हम p मान लेंगे तो ये dp by dx में बनेगा, dp by dx टू इसको सोल्व कर लो थोड़ा सा, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 2x, 2x से 2x कैंसिल, 2 माइनस का 6 बनेगा माइनस का 4, माइनस का 4 अपॉन में x प्लस 1, ओके 2x से 2x कैंसिल 2 और ये माइनस का 6 माइनस का 4 आ जाएगा, ये माइनस लगा दिया, ये बनेगा p इक्वल में 1 अपॉन में x प्लस 1, इसका जो अपन इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रल फैक्टर क्या बनेगा e की पावर इंटीग्रेशन इसका, तो माइनस का 4 तो कांस्टेंट है बाहर, 1 बाई एक्स प्लस 1 dx e की पावर माइनस 4 log x प्लस 1, और यदि माइनस होते तो वो नीचे आ जाता है, इसका मान बनेगा 1 अपॉन में x प्लस 1 की पावर 4, हमें मान किसका चाहिए p का, तो p इंटू 1 अपॉन में x प्लस 1 की पावर 4 इक्वल में क्यू का मान गिरा, वन अपॉन में एक्स प्लस वन, वन अपॉन में एक्स प्लस वन इंटू इंटीग्रल फैक्टर वन अपॉन में एक्स प्लस वन की पावर फोर डी एक्स प्लस एक कॉन्स्टेंट सी वन, एक्स प्लस वन की पावर कितनी हो जाएगी फाइव, तो एक्स प्लस वन की पावर माइनस फाइव लिख सकते हैं इसको प्लस सी वन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास x प्लस वन की पावर माइनस फोर अपॉन में माइनस फोर प्लस सी वन, x प्लस वन की पावर माइनस फोर अपॉन में माइनस फोर सी वन, किसका मान आया ये, इसका मान हमें यहां से p
का मान निकाल लेंगे तो यहां से पी का मान आएगा पी इंटू वन अपॉन में इसका डिवाइड ही कर देते हैं हम, तो p का मान आ जाएगा हमारे पास इस x प्लस वन की पावर फोर का डिवाइड करेंगे ऊपर जाएगा, ये पावर माइनस फोर है ये प्लस फोर है कैंसिल कर देगी तो ये बनेगा माइनस का वन बाई फोर, माइनस का वन बाई फोर इससे मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा सी वन एक्स प्लस वन की पावर फोर, सी वन एक्स प्लस वन की पावर फोर, तो ये dv by dx बन जाएगा। हमें मान किसका चाहिए, v का, तो माइनस का वन बाई फोर इंटीग्रेशन dx c1 इंटीग्रेशन x प्लस वन की पावर फोर dx, इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा x प्लस वन की पावर फाइव बाई फाइव c1 प्लस इसका इंटीग्रेशन वन बाई फोर x माइनस का और ये v। लास्ट में क्या करेंगे e की पावर x इसको मल्टीपल कर देंगे और ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका सॉल्यूशन इस इक्वेशन का। ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल में एक्स माइनस वन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल में एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। सबसे पहले हमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट वन चाहिए तो इसका डिवाइड कर देते हैं हम, इसको ऐसे कैसे रहने देते हैं, इस एक्स को इधर लेके आ जाएंगे, इसको हम इधर ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम एक्स माइनस वन से डिवाइड भी कर रहे हैं, इन सभी को इस साइड लेके आ रहे हैं और इस एक्स माइनस वन माइनस एक्स को इस साइड भेज रहे हैं तो ये बनेगा हमारे पास डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इनको इधर ला रहे हैं एक्स माइनस वन से डिवाइड करके तो इसको लिख देंगे माइनस का एक्स अपॉन में एक्स माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स, इसमें भी इसका डिवाइड करेंगे तो इधर आएगा प्लस का बनेगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो एक्स तो बनेगा प्लस का और वन बन जाएगा माइनस का। ओके ये पी है ये क्यू है, क्लियरली दिख रहा है इसको एक्स से मल्टीपल करके जोड़ दे जीरो बनेगा तो p प्लस क्यू एक्स जीरो है, इसका मतलब y बराबर वी एक्स इसका एक सॉल्यूशन है तो ये मान हम यहां रखेंगे तो dy वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा v प्लस एक्स dv वी बाई डी एक्स और d2 y वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा v dv वी बाई डी एक्स ट्वाइस ट्वाइस डी वी बाई डी एक्स प्लस एक्स डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर, ये मान हम रखेंगे तो ये बनेगा एक्स डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी वी बाई डी एक्स माइनस एक्स अपॉन में एक्स माइनस वन वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स माइनस वन वाई का मान क्या है वी एक्स इक्वल में एक्स माइनस एडजस्ट कर ले यहां से तो ये बनेगा एक्स डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस इसको मल्टीपल करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस वन टू इसको मल्टीपल करेंगे एक्स स्क्वायर डीवी बाई डी एक्स वी का कोफिशियंट पी प्लस क्यू एक्स जैसा बनना चाहिए, वी यहां है माइनस का एक्स अपॉन में एक्स माइनस वन और ये बन गया एक्स अपॉन में एक्स माइनस वन, दोनों को हम जोड़ेंगे तो जीरो बन जाएगा तो डायरेक्ट इसी को लिख रहे हैं एक्स माइनस वन। थोड़ा सा इसको सोल्व कर ले, एक्स से डिवाइड कर रहे हैं हम तो डी टू
वी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, डी टू वी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, एक्स से डिवाइड कर रहे हैं तो ये बनेगा हमारे पास, इसको सॉल्व कर रहे हैं ये बनेगा 2x माइनस का 2 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में x इंटू एक्स माइनस 1 डीवी बाई डी एक्स इक्वल में 1 माइनस 1 बाई एक्स, 1 माइनस 1 बाई एक्स। ओके, इसका हम नहीं कर सकते और किसी मेथड से, तो डीवी बाई डी एक्स को पी मानना पड़ेगा हमें। तो मान लिया हमने क्या डीवी बाई डी एक्स, तो ये इक्वेशन बनेगी हमारी डीपी बाई डी एक्स प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉमन ले लें एक्स माइनस 1 इन दोनों, माइनस का एक्स स्क्वायर एज इट इज अपॉन में एक्स इंटू एक्स माइनस 1 पी इक्वल में ये बन गया हमारे पास एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स। इसको सेपरेट कर लेंगे डीपी बाई डी एक्स प्लस, इसके नीचे इसको लेंगे तो ये बनेगा 2 अपॉन में एक्स, इसके नीचे इसको लेंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस का एक्स अपॉन में एक्स माइनस 1, माइनस का एक्स माइनस 1 इंटू पी इक्वल में एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स। इसको हम इंटीग्रल लीनियर इक्वेशन है तो यहां से जो इसका इंटीग्रल फैक्टर हम निकालेंगे, इंटीगल फैक्टर क्या बनेगा e की पावर 2 बाई एक्स माइनस का x अपॉन में x माइनस 1 dx। इसको क्या लिख सकते हैं e की पावर 2 बाई एक्स dx इंटू e की पावर माइनस इंटीग्रेशन, देखो यहां x माइनस 1 है तो हम इसको x माइनस 1 प्लस 1 लिख सकते हैं और ये dx, e की पावर 2 बाई एक्स का बनेगा e की पावर 2 log x इंटू e की पावर, इसके नीचे इसको लेंगे तो ये बनेगा हमारे पास इंटीग्रेशन में 1 प्लस x माइनस 1 dx, 1 प्लस x माइनस 1 dx, इसका जो मान आएगा फाइनली e की पावर log का बन जाएगा 1 x स्क्वायर, ये बनेगा हमारे पास e की पावर माइनस एक्स इंटू e की पावर लॉग, e की पावर माइनस लॉग एक्स माइनस 1, e की पावर लॉग का मान भी 1 बन जाएगा तो ये फाइनली मान आएगा हमारे पास एक्स माइनस 1 e की पावर माइनस एक्स। इंटीग्रल फैक्टर आ गया, p का मान क्या बनेगा p इंटू इंटीग्रल फैक्टर एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 e की पावर माइनस एक्स इक्वल में क्यू एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स इंटू e की पावर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस 1 डी एक्स प्लस एक कॉन्स्टेंट सी 1, एक्स स्क्वायर से एक एक्स कैंसिल, इससे ये कैंसिल, हमारे पास वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन एक्स e की पावर माइनस एक्स प्लस सी 1 पी इक्वल में चल रहा है, इसका मान निकालेंगे फर्स्ट सेकंड मान के कर लेंगे, फर्स्ट एज इट इज एक्स e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस e की पावर माइनस एक्स प्लस, तो माइनस के साथ इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स का माइनस बन जाएगा तो माइनस माइनस प्लस होंगे, सी 1 चलता रहे, इसका मान आ गया हमारे पास माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स, इसका बनेगा माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स प्लस सी 1 प्लस सी 1। हमें मान किसका चाहिए p का, तो p का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे का डिवाइड कर देंगे तो p का मान आ गया हमारे पास, डिवाइड करेंगे x माइनस 1 जाएगा ऊपर x स्क्वायर आएगा नीचे और e की पावर माइनस एक्स से e की पावर माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे तो ये बनेगा x माइनस 1 अपॉन में x
माइनस का, इसमें डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास माइनस एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर, सी वन में डिवाइड करेंगे तो सी वन एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो डीवी बाई डी एक्स का मान आ गया, इसको सेपरेट करेंगे तो माइनस का वन प्लस का वन बाई एक्स, माइनस का वन बाई एक्स प्लस का वन बाई एक्स स्क्वायर, सी वन वन बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे। इसका इंटीग्रेशन कर ही लेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, इसका कर ही लेंगे, कर लेंगे, लास्ट में वी को मल्टीपल कर देंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन लिए थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम्पल जैसा था कोर्ट वाला, उसको एग्जाम्पल के करवा रखा है हमने, उसके अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व करोगे बन जाएगा। तो जो भी इम्पोर्टेंट थे आए हुए थे वो सभी इस लेक्चर में हमने कंप्लीट किए हैं। अब जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है जिनमें क्वेश्चन में खुद में दिया जाएगा कि ये इसका एक पूरा फलन का सॉल्यूशन होगा, उस टाइप के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं जितने भी इम्पोर्टेंट लगेंगे वो सारे नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट एक ही लेक्चर में करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो एक ही लेक्चर में हमारा कंप्लीट मेथड क्लियर हो जाए। ओके, चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।